जबलपुर के माड़ोताल स्थित शासकीय आईटीआई कॉलेज में एमपी स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन के द्वारा कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा गया, जहां कॉलेज में भीषण गर्मी में पानी की समस्याओं और टीचर्स द्वारा छात्रों की क्लास न लिए जाने एवं महिला आईटीआई बंद होने को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। साथ ही छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो वह उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। वहीं संयुक्त संचालक ने कहा कि शासकीय आईटीआई में निर्माण कार्य चल रहा है, इसके चलते मशीनरी व अन्य चीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते छात्रों को थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही हैं। उनकी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। ये संभागीय गवर्नमेंट आईटीआई में लगातार करोड़ों रुपए के भवन निर्माण किए गए, चीजें खरीदी गई, लेकिन आज भी छात्रों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना ही यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद हो रहे हैं। छात्र आज यहाँ पे मूलभूत सुविधा वाटर कूलर खरीदे गए लेकिन वो फिट नहीं करे गए, तो आज इस ग्रीष्मकालीन सत्र में भी छात्र पानी के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। काफी कोर्सेस डीएसटी कोर्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, महिला आईटीआई बंद कर दी गई है, और भी तमाम अनियमितताओं को लेकर यहाँ आज हम लोगों ने संयुक्त संचालक महोदय से निवेदन करा है कि इन सब मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन दिया गया है, उसमें मुख्य जो रूप से है वो पानी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो महिला आईटीआई में जो कोर्स संचालित थे उनके बारे में है, डीएसटी ट्रेनिंग के बारे में है, और पार्किंग की समस्या है। तो अभी हमारी उनसे चर्चा हुई है और उनको हमने बताया है कि भाई इन समस्याओं में जो भी समस्या जल्दी से जल्दी हम लोग निराकरण करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि डिविजनल आईटीआई का कंस्ट्रक्शन चल रहा है आईटीआई में, और वो डिविजनल आईटीआई में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, और उसका कारण ये है कि अभी सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है, तो हम लोग जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। तो ये जो आईटीआई बनने वाली है ये सब पूरे ज़िले में नहीं, पूरे संभाग में एक सबसे अच्छी आईटीआई बनेगी, और इसमें हम लोग सभी फैसिलिटीज़ को डेवलप करेंगे। अब चूँकि ये अभी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिसमें कि अभी सिविल वर्क भी चल रहा है, मशीनों का इंस्टॉलेशन हो रहा है, मशीनों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस बीच में हो सकता है कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों को परेशानी हो रही हो, तो उसको हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे।